यश ने फिर उठाया अंजलि के कैरेक्टर पर उंगली। जी हाँ, आपको बता दें कि शो दो कुंडली टके मिलन की भी नहीं काफी हमारी मजेदार अंजलि, ट्रैक पर देखा जा रहा है, लाखों में जहां एक है। आदित्य को लेकर एक बार फिर यश को खुद से गलत पहले फहमी हो जाती है। और यही दूसरों के नहीं बारे में बल्कि सोचती इस बात को लेकर है आदित्य और और उसकी यश इसी में बात का फाइटिंग भी होने सब लोग लगती है। फायदा उठाते हैं। लड़ क्यों रहे हो आप? ये क्या हुआ? ये आदित्य का दादा पापा, ये अभी भी अंजलि से प्यार करता है। इसने और अंजलि ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। बेटा ये सही नहीं है, हमारी अंजलि ऐसी नहीं है। अगर भगवान भी आकर कहेंगे ना कि वो गलत है, तब भी हम नहीं मानेंगे। लो आ गई जस्ता। अरे हमारे पास सबूत है अंजलि के खिलाफ। वहीं इन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देख पूरे घर वाले भी जमा हो जाते हैं, और जहां एक के बाद एक कर हर कोई अंजलि पर ही उंगली उठा रहा है। लेकिन अंजलि की माई को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए वो सबके खिलाफ चली जाती है। निकल मेरे घर से बाहर, यश निकल, यश छोड़, छोड़ से मैंने कहा छोड़, यश छोड़। क्या कर रहा है? क्या हो गया तुम लोगों? लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? क्या हुआ पापा? ये बहुत ही घिनौना आदमी है, सबके सामने मुझे यश भाई करता है। और सच तो ये है कि ये अंजलि से प्यार करता है। इसने और अंजलि ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। नहीं यश बेटा, हमारी अंजलि ऐसी नहीं है। अगर भगवान भी आकर कहेगा ना कि वो गलत है, तो भी हम नहीं मानेंगे। आ गई अंजलि की वकालत करने वाली, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। हमारे पास अंजलि के खिलाफ सबूत है। ये मुकेश कुछ तो गड़बड़ है, मेरी अंजलि ऐसा नहीं कर सकती। मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है उस पर। अक्सर ऐसा ही होता है, जिन लोगों पर हम खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही हमारे भरोसे की धज्जियां होती हैं। तो शांत हो जाते हैं, संभाल अपना। आदित्य यश तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, भाई होकर एक दूसरे के साथ जानवरों के जैसे लड़ रहे हो। अभी शांत हो जाओ, बाद में बात करेंगे। जाओ आप लोग। ये आदित्य गद्दार है पापा, ये आज भी अंजलि से प्यार करता है। इसने और अंजलि ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। यश क्या कर रहा है? क्यों लड़ रहे हो आपस में? हाँ यश हुआ क्या? यश हुआ क्या? बहुत ही घिनौना आदमी है पापा ये सबके सामने मुझे यश भाई कहता है, लेकिन असली में ये अंजलि से प्यार करता है। इसने और अंजलि ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। नहीं यश बेटा, हमारी अंजलि ऐसा नहीं कर सकती। अगर भगवान भी आकर बोलेगा कि अंजलि गलत है, तब भी मैं नहीं मानूंगी। लो आ गई अंजलि की वकालत करने के लिए जज साहिबा। अरे हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, अंजलि के खिलाफ पुख्ता सबूत है हमारे पास। सुबोध जी बोले, ताई जी मुकेश कुछ तो गड़बड़ है यार, अंजलि ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे खुद से ज्यादा उस पर भरोसा है। हालांकि इस मौके का फायदा कहीं ना कहीं आदित्य और ऋचा पूरी तरह से उठाएंगे, और फिर से एक बार वो अंजलि और यश के रिश्ते में दरार लाना चाहेंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या अंजलि अपने इस टूटते हुए रिश्ते को बचा पाएगी, और अगर बचा पाएगी तो क्या यश उनकी बात समझेंगे। एंड इसी तरह की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को।